check this out guys. Oh my god, ADV. अभी हम लोग यहाँ पे खाएंगे खाना। देखे ना कितना जोर से भाग रहा है वो। हिटोड़ा पहुँचने में बस अब 45 किलोमीटर यहाँ से है। ओह नो, एक्सीडेंट हुआ। अब घर बस 120 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सो गाइस, अब रूम छोड़ने का टाइम आ चुका है। सो नेपाल से हम लोग अब बस निकलेंगे और आज का जो रूट है ना थोड़ा सा अलग होने वाला है। हम लोग भाया काठमांडू जाएंगे नहीं, हम लोग होके जाएंगे आपका भाया हिटौड़ा होके जाएंगे। और थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा ये वाला रूट हमें। और हमें ये वाला रूट लेने से क्या होगा कि आपका जो काठमांडू का जो है ना थोड़ा भीड़ भाड़ है और वो सब नहीं पड़ेगा हमें। पोखरा को कहते हैं बाय बाय। बहुत ही अच्छा था यहाँ का एक्सपीरियंस, अच्छा लगा। देखिए ना बैग में धूल कितना ज़्यादा है, बैग का तो हालात एकदम सा ख़राब होके रखा है। बाइक जो कि है हमारा स्टार्ट हो चुका है, बस चल सही सही पूछा दो घर भगवान। जब हम लोग आए थे ना तब बहुत खुश थे हम लोग, और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे जाएंगे। हाँ तो ना सोच रहे जो उतना लंबा रास्ता जाना है, फिर होता है ना मन में एक बात की वो भी बोल रहा था भाई कब पहुँचेगा कहाँ तक जाएगा ये सब पूछ रहा था मुझे अभी। तो मैंने बोला आज का दिन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग काठमांडू में है नहीं, हम लोग पोखरा में है। तो आज हम लोग को जो है यहाँ से हम लोग कहीं 100 या 200 किलोमीटर चला लेंगे, उसके बाद में हम लोग कहीं पर स्टॉप ले लेंगे, उसके बाद कल सुबह हम लोग फिर वहाँ से अपना राइड जो है स्टार्ट करेंगे। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं पोखरा से और हाईवे हमने ले लिया है, तो मैं पूछने लगा है ठीक है तो कहाँ तक जा पाते हैं। जस्ट एंजॉय द ब्लॉग गाइस। मेरा जो 128 GB का मेमोरी है ना वो भी पूरा फुल हो चुका है। आज हम लोग 2:10 में निकले थे, अभी का टाइम हो रहा है 2:26, तो देखते हैं आज कितना घंटा चला पाते हैं हम लोग। अभी हम पोखरा सिटी को बस बाय बाय कहने वाले हैं। अभी जो बात हुई ना पेट्रोल देखे ना रिजर्व में आ चुका है और पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है रास्ते पे। धूल तो मतलब इतना ज़्यादा है ना, एकदम बहुत ज़्यादा धूल है गाइस। आप लोग रास्ता देख रहे हो, रास्ता आप लोग रास्ता का हालत देखिए यहाँ पे कितना ख़राब है, कितना ख़राब है। मत ही आना आप लोग, मत आना मैं तो कहता हूँ। तो वक्त जो कि है हमारा आज ये फर्स्ट फ्यूल है, पेट्रोल हमने ले लिया है, अब हमारा बाइक जितना भी चल सकता है। पंप लगाना पड़ेगा, टायर का पंप ना बहुत कम हो चुका है देखिए ना। अभी जो है थोड़ा सा पंप ठीक है, नहीं तो थोड़ा पहले ना गाड़ी अपने आप इधर उधर जा रहा था, पंप थोड़ा सा कम हो गए। देर से हम लोग यहाँ जाम में रुके थे, रास्ता का थोड़ा सा काम चल रहा है, मतलब वो लैंडस्लाइड वगैरह होता ना लैंडस्लाइड, इसलिए। जब से मैं नेपाल आया हूँ ना तब से जो कि है फुल पावर का ब्लॉगिंग हो रहा है मेरा एकदम। सो नाउ वी आर इन बंदीपुर, वी हैव गॉट 1 more MT। एम्बुलेंस। आज का जो रूट है ना ये रूट आपको हमें ले जाएंगे सीधा व्लादिवोस्तोक ठीक है। पर ये रूट में क्या है कि हमें सिंधुली का जो रास्ता है ना वो नहीं मिलेगा क्योंकि सिंधुली होके हमें जाना पड़ता है काठमांडू, तो आज हमें रास्ते में काठमांडू मिलेगा नहीं। हम लोगों ने लिया है कोई दूसरा रूट ठीक है। ये जो रूट है ना ये आपको 4 से 5 घंटे का आपको जल्दी रास्ता पड़ेगा, इसलिए हमने आज वो रास्ता को स्किप किया। हम लोग जाएंगे वह मुगलिंग हिटौड़ा होके जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे खाएंगे खाना।
अभी हम लोग जहाँ खाना खाने रुके थे ना, मुंगलिंग, लेकिन यहाँ पे ना कितना बड़े व्यू दिखता है ना, ये ब्रिज है। अभी ये बंद कर दिया गया है, तो स्टी वाला चलता है अभी। एंड जो मछली हमें मिलते हैं ना फ्रेश, इसी नदी की है। जब उस दिन हम लोग आ रहे थे ना, तब बहुत सारा लोगों को देखा हमने कि वो लोग रास्ते में ऐसा लट्ठी में मतलब मछली को झुला के बेच रहे थे, थोड़ा आगे हवे पे। अच्छा व्यू ना, नहीं वाह। आज खाना जो है हमने थोड़ा लेट से खाया, करीबन अभी 5:30 हो चुका है, और हम लोग अभी है मुगलिंग पे, और हम लोग आज जाएंगे हिटौड़ा तक। हिटौड़ा अभी यहाँ से 110 किलोमीटर दूर और है। हम लोग अभी उधर से आए थे, ठीक है, हम लोग उधर से आए थे, और आपको मुगलिंग से ये वाला टर्न लेना है, ठीक है, ऊपर की तरफ। हाँ, अगर हम लोग ये टर्न लेंगे तो आपको उधर से काठमांडू नहीं जाना पड़ेगा। अभी जो हम लोग ये वाला रास्ता होकर जा रहे हैं ना, ये रास्ता भी काफ़ी सुंदर है और अच्छा भी सुना है हमने, देखते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। आज शायद ही हम लोग और 100 किलोमीटर चला पाएंगे, क्योंकि अंधेरा बस होने वाला है, और हमें यहाँ पे ना रात में चलाना थोड़ा ठीक नहीं लगता नेपाल पे। ये कौन सा प्लेस रहा है पता नहीं, यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट। हम लोग अभी ये बाईपास रोड पे, जहाँ से हमने लेफ्ट लिया ना, तो वहाँ से गिरा हमें बाईपास रोड। इसका है ना, इसका मैप दिखा रहा है इधर लेफ्ट साइड ना, तो लेफ्ट ही जाना पड़ेगा ना। वो मुझे पूछ रहा है कि मैप इधर दिखा रहा है, तो इधर चलो। हाँ, मेरे चैनल को नाम तुम्हें कैसे समझा वो मैं इंडिया वाला। हाँ, चैनल था मेरे। हाँ है ना, हामी आज हिटौडा बस्ने कि अन्त भोलि चाहिँ घर फर्किने, काका बिटा भएर। सबै हुन्छ। हुन्छ हुन्छ, ल ल ल, गएँ ल। हिटौडा कहाँ छ, टाढो छ अरे हिटौडा? नजिकै हो नि, पुग्छ है। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू, ल, ओके ओके ओके, ठिक छ। ए बन्दा मिला था, काफी अच्छा था, इसने मुझे रोका। और कितनी दूर है और? एक घंटा और, कितने किलोमीटर? और एक घंटा दूर है यहाँ से, गॉड। हिटौड़ा पहुँचने में बस अब 45 किलोमीटर यहाँ से है। हम लोगों ने यहाँ पे लिया था चाय ब्रेक, जगह का नाम तो सही मालूम नहीं है मुझे। कोई नहीं, अब निकलता हूँ। वो तो देखे ना, पहले ही निकल गया मुझे छोड़ के, बोलता है आराम से आ, हम आगे में हैं। अभी एक प्रॉब्लम यह हुआ है कि हमारा है ना जो बुकिंग है ना होटल का, वो उसे मैनेज नहीं हो पाया, और फिर मैंने ट्राई किया booking.com से, वो भी नहीं हुआ। तो अब हमें वहाँ पे जाके बुकिंग करना पड़ेगा रूम, इसके अलावा कोई उपाय और बचा नहीं है अभी। देखे ना, मैंने उसे कहा थोड़ा सा आस्ते जा, हम लोग चाय पी रहे थे ना, कितना जोर का भागा। देखे ना, अभी तक मुझे रास्ते में नहीं मिला ये, देखे ना कितना जोर से भाग रहा है वो, देख रहा है, उतना स्पीड चला रहा है रात रात को। देखिए तो रास्ता पूरा अभी खाली मिला है ना, उतना देर से हम लोग उतना जाम में चला रहे थे, अभी अभी थोड़ा खाली मिला तो ये इतना भयंकर भाग रहा है। देखिए ना गाइस, पकड़ूंगा मैं तुझे, रुक। माय गॉड, क्या हुआ यहाँ पे? ओह नो, एक्सीडेंट हुआ शायद कोई। एक्सीडेंट हो गया गाइस। और ये हम लोग पहुंचे अभी कौन सा जगह, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है? नहीं, जगह का नाम है पता नहीं भाई। नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट, सो अब निकलते हैं यहाँ से। बाइक हमने रखा है बाहर पे, अब सामान वगैरह सब बांधना पड़ेगा और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। वन सेकंड, गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक ही ब्लॉग में मैंने दो बार गुड मॉर्निंग कहा है, दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आज जो कि हमें यहाँ से चलाना पड़ेगा 490 किलोमीटर्स
जो हमारा घर तक है, और हमारा जो आपका जो गिरा ना काकरबीडा बॉर्डर वहाँ तक है आपका 390, वो 400 पकड़ लीजिए। उसके बाद काकरबीडा से हमें 100 किलोमीटर चलाना है घर तक। और ये मैं पहुँच गया चंद्रपुर। चंद्रपुर भी काफ़ी बड़ा है। जो हाईवे आके मतलब होके अभी मैं आया ना, रास्ता बहुत ही बढ़िया था वहाँ का। आपको इधर से कोई टर्न वगैरह कुछ नहीं लेना है, चंद्रपुर से सीधा ही रास्ता लेना आपको, ठीक है। मैप में दिखाई रहा है हाईवे 1 जो है उसको बरकरार रखना आपको। ये है द ग्रेटर बागमती नदी, बागमती रिवर है ये। उधर से भी ब्रिज है, पता नहीं किधर का क्या रास्ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अभी यहाँ पे। सब हम लोग बर्दीवास में उस दिन जब लोग आए थे ना, जब हम लोग आए थे तो हम लोग लिया था ये वाला रास्ता सिंधुली का, ठीक है। तो और अभी हम लोग आ रहे हैं दूसरा रास्ता होके आ रहे हैं। तो अगर आप जाना चाहते हो काठमांडू तो आप लोग ये रूट लेके जा सकते हो, क्योंकि वो रूट जो है ना पोखरा जाने के लिए सही। अगर आप लोग काठमांडू जा रहे हो भाई पोखरा काठमांडू, अगर आप लोग पोखरा जा रहे हो भाई काठमांडू, तो आपको सिंधुली का जो रास्ता है वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ने वाला है। और अगर आप जाए डायरेक्टली गो पोखरा, तो आप लोग ये वाला जो रूट हम लोग लिए है हिटोड़ा होके, उधर से थोड़ा आपको इजी पड़ेगा और रास्ता भी थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट ढल के वर, सीधा चला जाएगा शायद आपका बिहार बॉर्डर होके इंडिया घुस जाएगा उधर में। तो हमें लेना है लेफ्ट फ्रॉम दिस वे। ओके वो देखा स्पीड ब्रेकर, ये रास्ते पे ये वाला स्पीड ब्रेकर कम से कम 100 मिलेगी आपको। आते वक्त भी हम तो मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे ना ये स्पीड ब्रेकर देखकर, देखिए ना रास्ते रास्ते पे, वो भी प्रॉपर नहीं, वो होता है ना बालू वगैरह डालकर बनाया गया इसको। उस दिन में मैंने ना, उस दिन जब मैं आया ना, ये रास्ता मैंने वीडियो में देखा ही नहीं किसी को, मतलब मेरा तो मूड ही पूरा ख़राब होकर रखा था। देखिए ना हर 100 मीटर में एक बम्पर ऐसे ही आता है। बाइक का पेट्रोल जो है ना पूरा देख रहे हैं रिजर्व में आ गया है। आप नहीं डालेंगे तो फिर आगे जाकर धोखा भी मिल सकता है हमें, तो डाल लेते हैं ना। अभी फिर से एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट तो मतलब एकदम क्या बताऊँ मैं आपको। काकरबीटा यहाँ से और 180 किलोमीटर दूर है, हमें काकरबीटा पहुँचने के लिए और 180 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। एरिया तो एकदम बिहार जैसा दिखता है, एकदम सेम बिहार। बिहार में कैसा है वैसा सेम है यहाँ पे। इसका जो पैनियर है फिर से खुलने वाला है, खुलने वाला देखना। पहुँचते पहुँचते शायद रात को 10 या 9 तो बजने हैं आज, उससे पहले तो मुश्किल है शायद। हाय 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 क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। ओ गाइस कैसा लगा? गाना तो अलाउड नहीं है ब्लॉगिंग में, पर गा दिया 15 सेकंड से शायद कम ही गाया मैंने। खोल गया क्या हो गया, क्या उठाएगा? फिर से हम पहुंच गए कोसी नदी पे। अब घर जो कि सामने आ रहा है हमें लग रहा है। काकरबीटा अब यहाँ से और 105 किलोमीटर है और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं दमक उटलावाड़ी। अभी हम लोग पहुँचे टेहरी एंड इट्स ए वेरी बिग टाउन। जाते वक्त भी हम लोग यहाँ ट्रैफिक में रुके थे। अभी हो चुका है और अभी हम लोग बीड़ता मोड़ बस पहुँच ही गए। अब घर बस 120 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और 6 किलोमीटर बाद हम लोग क्रॉस करेंगे आपका काकरबीटा बॉर्डर, विल एंटर इंडिया। 28, ठीक है गाइस मैं पहुंच चुका हूँ एंड आई एम गोइंग होम।
6:45 करीबन 7 बज चुके। ओके सो निकलता हूँ अब यहाँ से भाई। अब इंडिया के रास्ते जो मिलेंगे हमें वो तो मत ही पूछे गाइस। सिलीगुड़ी भी पार कर दिया हमने। अभी रात के बज रहे कितना, 7:30 हो रहे हैं अभी, करीबन 9 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा ऐसा लग रहा है मुझे। मेरी मानो तो भाई रात के 8 बज रहे हैं और सेवक में एक भी गाड़ी नहीं है, देखिए ना कितना डरावना है ना। बाप रे तो बाइक अगर अच्छा होना चाहिए, यदि बाइक बिगड़ा तो बस खेल ख़त्म। बाइक देखिए ना खराब ही हो गया था पूरा। हिदायत ने बहुत हेल्प किया एकदम। इसका सामान था बोल के बच गया, बहुत कुछ सामान था बाइक में। रात के देखे ना कितना टाइम हो चुका है, चेन पूरा लॉक हो गया था बाइक में। अब देखता हूँ, बाइक लिटरली खराब हो गया था गाइस। जैसे तैसे बना रही बाइक, पता है आपको पूरा बाइक का चेन है ना जो निकल गया था बाहर। तो हिदायत के पास सामान था बाइक में, तब वो निकल के बनाया। और एक फिटर सरकार जिसको फ़ोन किया था उसने बहुत कुछ हेल्प किया यार, थैंक यू सो मच। इतनी रात को बाइक ख़राब हो गया था, सोचिए ना चेन लॉक हो गया था क्या, चेन बस निकलने वाला था घाट से, तो उसने फ़ोन में जो कहा हमने किया। देखते हैं रास्ते में सब कुछ ठीक जाए, बस घर तक पहुँचना है और कुछ नहीं। सच में कहता हूँ गाइस, आज तो मेरी ना एकदम निकल पड़ी थी, प्रॉमिस कर रहा हूँ। इतना बढ़िया राइड किया दिन भर मैंने आज, कम से कम 600-650 किलोमीटर चलाया। और घर के सामने आके जब सेवक में चेन अचानक से गिर गया ना, मेरा तो बस मुंह पूरा बंद हो चुका था शायद। मैं रिकॉर्डिंग शेकॉर्डिंग सब कुछ भूल गया वहाँ पे, ठीक है। मैं हिदायत आगे निकल गया था मुझसे, तो मैंने इसको कॉल किया पहले, तो वो जल्दी से जल्दी आया, ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे पास रेंज वगैरह है, तो मैं देखा कि वो तो हम लोग से हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर हम लोगों ने कॉल किया, फिर वो बंदे ने, और बहुत सारे राइडर रुके हुए थे हमारे लिए, आसाम का राइडर था कोई कोई, कोई कोई भैया गाड़ी लेके पास हो रहा था सिरूडी का, वो लोग रुका था हमारे लिए, ठीक है। बहुत कोई रुका था हमारे लिए, यानी यू नो बाइकर्स के लिए, बाइकर्स हमेशा रुकता है, बहुत सारा बाइकर्स भी रुका था, बाइक आगे लेके घूम के पीछे भी आए, फिर भी पूछ रहा था कि भाई क्या हुआ सब सही है ना। तो हम लोग हाँ सही है बोल के हमने उन लोगों को भेज दिया, फिर दोनों मिल के बनाया। हिदायत ने बहुत हेल्प किया मुझे, थैंक यू सो मच टू हिम ऑल्सो। वेल गाइस लुकसान पहुंच गए और टाइम शायद अभी 10:30 हो रहा है। इतना लेट नहीं होता पर क्या कहूँ, अब बाइक ख़राब हो गया था सेवक में ना इसलिए। वेल गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, बाय बाय, सी यू टिल देन। और गाइस सपोर्ट करते रहना मुझको, ओके। ब्लॉग दूसरा जो है जल्दी आ जाएगा। वेल गुड नाइट, टेक केयर।